योद्धा लोग अपने अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने दल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर उन विपक्षी दलों से, विपक्षी पहलवानों से कैसे आप लोग लड़ पाएंगे? देखिए, हमें विपक्षी पहलवानों को कोई लड़ाई में हैया नहीं है, तो हम उनसे लड़ेंगे क्या? ये पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता ये यहाँ चुनाव लड़ रही है और जनता विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। हर एक लाभार्थी इस बात को कह रहा है कि 55 साल कांग्रेस ने सिर्फ भूखा है, 10 साल में मोदी जी ने हर गरीब तक कुछ न कुछ दिया है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा ज्यादा हो गई बाहर, बेरोजगारी का इसमें क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये महंगाई बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस पे हमारी सरकार बहुत गंभीरता से इस पे अध्ययन कर रही है और लगातार इससे निजात पाने के लिए, नौजवानों को बेरोजगारी से रोजगार के अवसर देने के लिए प्रयास कर रही है। हम 10 साल में जिन कार्यों को कर रहे हैं, उन 10 सालों के कार्यों के आधार पर जो कल तक उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमले होते थे, देश में आतंकवादी हमले होते थे, देश को सुरक्षित किया, उत्तर प्रदेश को कानून का राज स्थापित किया, हर एक गरीब की सुनवाई करने जैसा हम लोगों ने शासन तैयार किया। तो आज पूरे देश में जिस तरीके से मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 80-80 में घोसी भी साथ है और हर एक जाति धर्म को, हम बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, हर गरीब को अगर राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन हर गरीब को मिल रहा है। अगर हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो बिना जाति धर्म देखे दे रहे हैं। हम अगर पेंशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हम उनके हर एक नेता जी लोग कह रहे हैं कि मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लाया है। जो गरीब को पढ़ाई जो अमीर को हो रही है, वही पढ़ाई अब गरीब को होने के लिए नई शिक्षा नीति आई और ये शिक्षा नीति हर प्राइमरी स्कूल पर, सरकारी स्कूल पर लागू करने के लिए योजना बनी। हम गरीब को फ्री में इलाज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब को फ्री में इलाज करने की व्यवस्था देने जा रहे हैं। हम 70 साल से ऊपर वालों को निःशुल्क इलाज कराने का इंतजाम कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर गरीब की थाने पर सुनवाई करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाया है। नेताजी, आप लोगों को बात को पब्लिक और वोटर क्यों माने? इसलिए कि आप लोग कहते हैं कि जुमला ही है, जुमला था, जैसे आप लोग से 15 लाख रुपया देने का, जिसमें आपका गठबंधन है, 15 लाख रुपया महोदय जी देने के लिए पब्लिक के खाता में कहे थे और लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो आप लोगों को बात कैसे माने? देखिए, हर गरीब को अगर 2000 किसान को सम्मान निधि मिल रहा है तो पहले की सरकारों से पूछिए कि वो किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिए। पुरानी सरकारों में अगर राशन बढ़ता था तो अगर 4 परिवार में लोग हैं तो 3 को नहीं मिलता था, 1 को मिलता था, 3 का खा जाते थे। पहले जितनी भी सुविधाएं आती थी, कांग्रेस कहा करती थी कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा खा जाते हैं लोग और सिर्फ 15 पैसा जाता है। आज किसानों के खाते में अगर 2000 भेजा जाता है तो सीधे 2000 जाता है, यही बदलाव है। उत्तर प्रदेश में हर गरीब के खाते में अगर सुविधाजनक लाभ पहुँच रहा है, अगर आवास दे रहे हैं तो हम उसको बिना जाति देखे दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से ये नहीं हो रहा है कि कोई गरीब इस बात से कहे कि नहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये बातें पूर्व की बातें चर्चा मत करिए। वर्तमान में हम घोसी को स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने, नेताजी लोग ढूंढते हैं तो पुरनका याद कर लेते हैं, पुरनका बात कर रहे हैं तो पुरनका पर चर्चा कर रहे हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो विकास का खाका तैयार किया था, उनके जाने के बाद 15 साल जो गैप हुआ है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, जितने भी सांसद हुए हैं किसी ने स्कूल बनाया है, किसी ने जमीन लिखाया, लेकिन किसी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र के आवाम के विकास के बारे में नहीं सोचा। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के विकास की यात्रा को डॉक्टर अरविंद राजभर जी घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास पहुंचाने के लिए, डबल इंजन की सरकार की योजना हर गांव तक पहुंचाने के लिए, यहां से छड़ी चुनाव चिन्ह से जीत के जाएंगे तो दिल्ली में मोदी जी के सामने खड़ा होकर के घोसी लोकसभा क्षेत्र की हर एक समस्या का निदान करने के लिए वहां लड़ाई लड़ेंगे। अभी अभी बयान सांसद रहे इकबाल कृष्ण चौहान जी, इस समय वर्तमान में प्रत्याशी लोक घोसी लोकसभा से आए हैं, कह रहे हैं कि मेरे आगे कौन है, चौ से चमार और चौ से चौहान, 3 लाख चौहान है और 5 लाख ये चमार लोग हैं, तो फिर मेरा ही जीत होगा, पीछे पीछे झूठो लग रहे हैं। जीत करने के लिए तो सब दावा करते हैं, लेकिन चौहान साहब सांसद रहे हैं, जब इनको BSP ने निकाला था तो इन दलितों को गाली दिया, बहन जी को इन्होंने दौलत की बेटी कहा था, ये पूछे हैं दलित समाज को, पूछ रहा है उनसे कि जब आप दलित समाज को अपमानित करते हैं, दलित समाज को गाली देते हैं और फिर दलित समाज का वोट लेने के लिए आप बात करते हैं, तो वो दलित समाज अभी मऊ जनपद में
दलित परिचय सम्मेलन भारतीय समाज पार्टी ने कराया था, भारी संख्या में दलितों की संख्या उपस्थित थी। वो तो कह रहे हैं छड़ी कोड़ दे रहे हैं, यहाँ उनको कोई चर्चा में ले रहा है? सब लोगों को यह सरकार मोदी जी की बनने जा रही है, न सपा की बनने जा रही है, न कांग्रेस की बनने जा रही है, ना BSP की बनने जा रही है। जिसकी सरकार होगी विकास उसी के माध्यम से होगा, तो हम सरकार से विकास का रास्ता तय कर रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में घोसी लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अरविंद राजभर जी के सामने कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर एक मतदाता चुनाव चिन्ह छड़ी नेता जी। दलित पर्चे समारोह आप के ही द्वारा हुआ था, दलित के लोग 2000 से कम नहीं रहे होंगे, मैं वहाँ था। तो आप ही के मंत्री जी एक मिनट का बयान दिए हैं कि दलितों के साथ अगर कोई अन्याय होगा तो आप भाजपा को भी छोड़ सकते हैं। हम लोगों ने हमेशा से मुखरता से बोलने का परिचय दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद माननीय कांतिराम साहब ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया, उसी मिशन को जो